हेलो व्यूवर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। और फिर जावेद ना तो किसी सीरियल में नज़र आ रही है, ना ही फिलहाल किसी भी फिल्म का हिस्सा है, लेकिन फिर भी लाइमलाइट में वो किसी बड़े स्टार से भी ज़्यादा बनी रहती है। और फिर जावेद उनके यूनिक फैशन सेंस के लिए जानी जाती है और अक्सर अपने अजीब गरीब आउटफिट के लिए चर्चा में आ जाती है। लेकिन अब उर्फी किसी और वजह से चर्चा में है, वह उन्हें जान से मारने की धमकी मिलना। और फिर जावेद ने खुद से जानकारी दी है, उन्हें सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने इंस्टा स्टोरी पर इससे जुड़ी पूरी जानकारी शेयर की है। उर्फी ने न सिर्फ इसके बारे में लोगों को बताया बल्कि कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर इंस्टा स्टोरी पर इस मामले की गंभीरता से बात भी की। और दरअसल उर्फी के मुताबिक उन्हें किसी ने आधी रात वीडियो कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठा तो उन्हें किसी शख्स ने गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया गैंग के शार्प शूटर के गिरफ्तार होने की यूट्यूब वीडियो भेज दी। इस पर उर्फी ने पूछा कि ये कौन है। वहीं दूसरे स्क्रीनशॉट में उर्फी जावेद लिखत है कि वो किसी से डरने वाली नहीं है। इस चैट में ऐसा पता चलता है कि उर्फी से ये आदमी किसी शख्स की फ़ोटो हटाने की डिमांड कर रहा है, लेकिन उर्फी निडर होकर उनका सामना कर रही है। बताते चले कि इससे पहले भी उर्फी जावेद ने बताया था कि कोई है जो उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप उस शख्स पर लगाए थे। उर्फी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया था कि इंसान पंजाबी इंडस्ट्री से जुड़ा है, जिसके साथ वो काम भी कर चुकी है, लेकिन वो समय से उर्फी को ब्लैकमेल कर रहा था। अब आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ।